चौथी ढाल, दोहा नंबर 8, पेज नंबर 104 और 105। जे पूरब शिव कहे जाहिं अरुआगे जे, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे। विषय चाह दव दाह जगत जन हर निद जावे, तास उपायन आन ज्ञान घन घा बुझावे। ये तो हो गया था, इसके आगे पुण्य पाप फल माही हरस बिल को मति भाई, यह बुद्ध गल पर जा उपजीविन से थिर नाही। लाख बात की बात यरे निश्चय पुर लाओ, तोरि सकल जगदंद फंत ज आत्म मिला। दोहा नंबर 9, पुण्य पाप फल माई हरस बिल को मत भाई, यह उद्गल पर जाए उपजी विन से थिर नाही। हे भव्य जीवो, पुण्य पाप के फल में हर्षित और विषादित मत हो। पुण्य के फल में हर्षित मत हो, खुश मत हो, और पाप के फल में विलखो मत, रो मत। क्यों? क्योंकि यह उद्गल पर्याय, ये जो उद्गल पर्याय है, असमान जाति मनुष्य पर्याय है, ये उत्पन्न हुई है नई और ये विनाश जाने वाली, ये स्थिर रहने वाली नहीं। उपजी बिन से उत्पन्न हुई है, नियम से नष्ट हुई, स्थिर ना ही, स्थिर नहीं है। और हम तुमको लाख बात की बात, करोड़ बातों की एक बात बताते हैं। लाख बात की बात यह निश्चय को लाओ, ये तुम अपने हृदय में लेके आओ पक्के से। क्या? कि तोड़ सकल जगत द्वंद फंद, सारे जगत के द्वंद फंद को तोड़ के निज आत्म ध्याओ, अपने निज आत्मा को ध्याओ, आत्मित में लगो, आत्मा का ध्यान करो। क्या? अपने निज आत्मा में रम जाओ, निज आत्मा का ध्यान करो। ये सारे जगत के धंधे बंदे छोड़ो, क्योंकि ये धंधे बंदे जो है ये अधिक समय पर्याय लेने वाली नहीं है। तुम सब इस पर्याय के उपायों में लगे हुए हो, लेकिन जो त्रिकाली चैतन्य तत्व है, मतलब जो त्रिकाल अपना अनंत काल तक जो अपने हित का उपाय है, वो काम अपन नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए सब धंधे बंदे छोड़ो, और ये सब पुण्य पाप का फल है, तो इस पुण्य पाप के फल में भी हर्षित होना और विषादित होना बंद करो, और अपने निज आत्मा का ध्यान करो। सार की बात तो ये, पुण्य पाप के फल में हर्षित विलसित हर्षित होना, तो पुण्य का उदय आ जाए तो खुश होते हम, जैसे कोई अपने को 3 लोग की संपदा मिल गई। समझ लो कि 2 रुपये की तनख्वाह बढ़ जाए अपनी, तो हमें कितनी खुशी होती है, जबकि इससे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा 2 रुपये नुकसान हो गए, क्या हो कुछ। लेकिन हम इसी पर्याय को सर्वस्व मानते हैं, जो कुछ भी है यही है, जबकि वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, सब पुण्य पाप का फल है, अपने किए कुछ नहीं हो रहा, सब हम पुण्य पाप के फल को देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस पुण्य पाप के फल में हर्षित होना और दुखी होना ये बंद करो, क्योंकि मूल काम तो अपने आत्मा का हित करना है। ये पुण्य पाप का फल भोगना ये अपना काल नहीं, कर्म के फल को भोगना अपना काम नहीं, अपना काम अपनी ज्ञानानंद निधि को भोगना है। ये तो कर्म का दिया हुआ है, अपना काम है। कर्म ने पाप का उदय दिखाया तो रोने लग गया, पुण्य का फल दिखाया हंसने लग गया। तुम तो कर्म के दिए हुई चीज़ों में गुलाम हो रहे हो, कर्म के गुलाम हो रहे हो, कर्म जैसा नचा रहा है वैसे नाच रहे हो, तो अपनी चीज़ को भूल गए हो। तो इसलिए तुम अपनी निधि को याद करो और अपनी आत्मा को ध्यान करो, ये सब काम बंद करो सारे, जो भी धंधे फंदे जगत के, ये सब धंधे फंदे बंद करो।
तोड़ सकल जग द्वंद फंद, सारे जगत के द्वंद फंदों को छोड़ो और एक निज आत्मा का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य पर्याय ये सदाकाल रहने वाली नहीं है, इसलिए ये मनुष्य पर्याय की तरक्की के लिए नहीं मिली है, ये आत्मा की तरक्की के लिए। अब हम किसकी तरक्की में लगे? पर्याय की, मतलब संसार की, वो मिली कहीं के लिए। संसार स्थिर नहीं है, और स्थिर कौन है? आत्मा स्थिर है, और उपाय में किसके लगे? आत्मा के काम में लगे कि शरीर के काम में लगे? जितने भी घर गृहस्थी के सारे सुबह शाम तक काम करते हैं, 90% काम किसके हैं? शरीर के, परिवार के, कुटुंब के, इसके ही है कि नहीं है? लोक के, समाज के, देश के, खुद का क्या काम कर रहे हैं? और ये पर्याय जिसका काम कर रहे हैं, वो पर्याय तो स्थिर रहने वाली है ही। हंस लो तो 2 दिन के लिए हंस लिए, रो लिए तो 2 दिन के लिए रोना है, ये हमेशा काम रहने वाला नहीं। हमेशा क्या, मैं तो कहता हूँ बहुत पर्याय तो अपनी निकल गई, अपन सब लगभग उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच गए, 30, 35, 40, 45, 50 भी हो गया हो, तो अब क्या बचा है? जिंदगी का कुछ हिस्सा तो 25 साल भी हो गए, तो भी 1/4 तो हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग जाने वाले हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य पर्याय में बहुत ज़्यादा उथन पुथन करके अपन ने कुछ कर भी लिया, तो इससे कोई बहुत बड़ी अपना बहुत बड़ा हित नहीं होने वाला है। दूसरी बार अपन बहुत मेहनत भी कर लेंगे तो अपन कितना ज़्यादा कमा लेंगे? समझ लो आप 24 घंटे दुकान में बैठे रहोगे तो कितने रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे? क्यों नितिन जी, अभी कितने मिलते हैं? जितने ही मिलते हैं, समझ लो दिन में 500 की होती है उदाहरण के लिए, तो 600 की हो जाएगी। एक दिन के 100 रुपये कमा लोगे ज़्यादा, तो महीने भर के 3,000, साल भर के 30,000, 10 साल के 3 लाख, 10 साल के 3 लाख, 50 साल के 15 लाख, तो क्या हो जाएगा उससे? खाने दो रुपये, उससे क्या हो जाएगा? तो की जगह 4 भी खानी हो तो भी हो जाएगी। मैंने पुण्य पाप के फल में तुम ज़्यादा हर्षित विचारित मत हो, इसमें कोई आत्मा की कोई तरक्की नहीं है, ना कोई आत्मा का हित है, कोई मतलब आत्मा का विकास है क्या, ना आत्मा का इससे बिगाड़ है और न पुण्य के उदय से सुधार। पुण्य पाप का फल उद्गल में आत्मा में आए, पुण्य पाप का फल आत्मा उसको भोगता है परिणामों में, है तो उद्गल में ही, लेकिन भोगता शुरू है ना, मेरे हो गया, मेरे पुण्य के उदय से ये हो गया, मेरे पाप के उदय से मेरा मकान जल गया, मेरे एक मकान मिल गया, मेरे पैसा आ गया, मेरी दुकान आ गई, आया तो क्या है लेकिन इसके दिमाग में आया वो अनुभव कर। पुण्य पाप के फल को मात्र ज्ञाता दृष्टा बन के देखे। और फिर दूसरी बात, ये सब उद्गलिक पर्याय है, मेरे अंदर तो ना आया है ना कुछ गया है, मेरा तो जो है वही है, मेरे में से क्या गया और मेरे में क्या आ गया और क्या आ जाएगा? खूब मेहनत कर लेंगे तो मेरे में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने? 2 जनों की प्रशंसा मिल जाएगी और क्या होगी? पड़ोसी कह देगा इनका, हाँ इनका मकान अच्छा कूद गया अभी नया नया, जब 2-4 रुपये आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? पैसे का लोग करते क्या है? ऐसे देखो बताओ मैं क्या क्या करते हैं, चप्पल जूते पुराने हो जाते तो नए खरीद लेते हैं, कपड़े लत्ते पुराने हो जाते तो नए खरीद लेते हैं, फर्नीचर नए बदल लेते हैं, किसी गाड़ी होती तो गाड़ी बदल लेते हैं, फ़ोन बदल लेते हैं, कंप्यूटर बदल लेते हैं, क्या मकान बदल लेते हैं बजाते, और क्या करेगा? रहने का तो सब है ही सही, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या करूँगा? यही काम मैं करूँगा, कपड़े जूते चप्पल मोबाइल फ़ोन लैपटॉप मकान फर्नीचर बाथरूम की टाइल्स, क्या नल वल बदला लेगा? पहले नल पुरानी स्टाइल के अंदर नए लगाएंगे, और क्या करेगा उसके साथ? ऐसा तो है नहीं कि नल में से पानी तो पहले भी आता था,
अब पानी थोड़ा सा छन छन थोड़ा और क्या हो जाएगा ज्यादा। एक जना बोला साहब मेरे आपको मालूम नहीं आपके आप बाथरूम गए कि गए। मैंने कहा चले जाता हूँ कोई माँ भी कोई अच्छी देख नहीं है क्या बोला आप देखो पानी यूँ रखो पानी आ जाता है यूँ रखो तो पानी आ जाता है तो यूँ निकाल लेंगे तो भी पानी भरा ही नहीं हो रहा अच्छा ना भरा। और मैंने कहा इतने से के लिए तेरे को हर बार तो आदमी को दिखाना पड़ता है तेरे को जो आता है उसका इतनी देर में तो नली चालू कर लो दिखाने का कितना विकल्प है मतलब तू मेरे को दिखाने के लिए तू खुद ही बाथरूम में आ गया कि देखो यहाँ पे ऐसा है हाथ ऐसा कर देते ऐसा है इससे क्या हो जाएगा। अंचना पानी ढुल रही है एक तो और इसके लिए तेरे को कितने विकल्प है। हर आदमी घर में आता है तो उसको तू भगवान की बातें करने की जगह बाथरूम में ले जाते कि देखो यहाँ पे हाथ रखते पानी आ जाता लोग बताते रहते तो मैं उनकी मैं सोचता हूँ कि इनकी बुद्धि में क्या हो गया। कोई नया मकान किसी के घर जाओ देखने तो वो कुछ दिखाए नहीं दिखाए बाथरूम जरूर ले जाएगा इनके भैया और भी कोई कमरे हो वहाँ करवा लो जो भी दिखाना है। लोग तीर्थ यात्रा जाएंगे ना सबसे पहले उसी की बात है ना लोगों की क्या इससे अधिक सोच ही नहीं ना क्या सोफा सेट बदलना ये करना वो करना वो करते रहते बस क्योंकि देखा ऐसा है जे नहीं आदमी और क्या करेगा उससे उसका इतना सदाचार तो होता ही है ना कि वो कोई वो भी खैर चले जाए वहाँ पे भी वो भी करना व्यसन में भी लग जाए उसका पैसा हो सकता है वो क्योंकि अधिक आ जाए धन तो उसका दुरुपयोग ये भी होता है वो क्लब हाउस चालू कर दे अब इससे क्या करो इससे क्या करो इससे एक नया आनंद लेना नया आनंद लेने के लिए चाहिए कुछ है ये पी लो इससे नया आनंद है तो लोग शराब पीना चालू हो जाए कोई मध्यमास परिस्थिति सेवन विषयागमन क्या जुआ खेलना ये सब भी हो सकते चालू क्योंकि उसका अधिक धन का तो फल व्यसन ही है अल्टीमेटली या फिर निरुद्यमी होना है निरुद्यमी कुछ मतलब आलस पड़े खा पी के खीर भी खाओ खीर की खान खा के सो जाओ कुछ नहीं करना आराम से दो ही चीजें हैं उसके अंदर और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसलिए वो कहते हैं कि ये तो बहुत पुण्य पाप के जो मतलब पुद्गल में जिसका फल आता है उस पुद्गल में जिसका फल आ रहा है उसमें तुम उलझ गए हो और तुम अपनी अपनी निधि को अपने ज्ञानानंद के वैभव को भूल गए हो तुम्हें तुम्हारा वैभव पता ही नहीं है। तुम रोज तो भगवान की पूजा करने आते हो दर्शन करने आते हो लेकिन फिर भी तुम भगवान के दर्शन करके ये नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारा भी वैभव ऐसा ही है क्या मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित शक्ति सुख ज्ञान बिना किंतु आशवश खोया ज्ञान बना भिकारी निपट अजान। पर्णी जी का है सुना कृष्णा मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान किंतु आशवश खोया ज्ञान बना भिकारी निपट अजान। मैं वह हूँ जो हे भगवान जो मैं हुआ है भगवान अंतर यही ऊपरी जान वे विराग यह राग वितान। बहुत बढ़िया उनके भजन में एक से इतने अंतर है अन्यथा आपके स्वरूप में मेरे स्वरूप में अंतर ही नहीं है। आपने उस आत्मिक निधि को पहचान लिया और मैं अभी जड़ की निधि को ही निधि समझ रहा हूँ। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया ये चक्कर है नहीं तो अपना वैभव अलौकिक है। अपना ज्ञान और आनंद का वैभव सब कुछ अलौकिक अभी भी अपन किसके वैभव को भोगते हैं उसको मान मान के कि मेरा हो गया है ज्ञान पे भोगते हैं आनंद पे भोगते हैं अपनी अपनी पर्याय को भोगते हैं अपने गुण पर्याय को भोगते हैं कि पर्द्रव्य को भोगते हैं किसको भोगते हैं मकान को भोगते हो
कि मकान के अंदर अच्छा बुरा मान मान के अपन उसको भोगते हैं। कल्पना तो अपनी है ना, अपने ज्ञान और आनंद है, अपने ज्ञान आनंद की सीमा से बाहर कहाँ है वो। मकान में क्या करते हैं, मकान भोगने में फिर यहाँ चिपक जाता है, चिपक जाए फेरी कॉल के चिपका, हाँ मेरा मकान क्या करते हैं उसको, बस मान लेते हैं ऐसा। चार जने और मूर्ख मिल जाते हैं, चार मूर्ख मूर्ख मिल के कहते हैं ओहो क्या बनाया है तुम, खुद नहीं खड़े रह के ही बनाया, हाँ मैं खड़े रहा हूँ। तो ये संसार, ये जो जगत है, ये जगत दो जनों की प्रशंसा और तुच्छ पंचिंद्री के विषय भोग, उसमें उसकी प्राप्ति होने में अपने को माँ भाग्यशाली और सुखी मानता है, और इनकी प्राप्ति नहीं होती है तो रोता है। वो कहते हैं कि ये कोई रोने लायक चीज नहीं है, इनकी प्राप्ति होए तो और दुख का कारण है, क्यों, क्योंकि उसको भोगेंगे तो नरक में जाएंगे। पुण्य का फल मिलना अच्छा है कि बुरा है, बुरा है अपेक्षा से, क्यों, क्योंकि पुण्य के फल को भोगने का भाव जो है वो पाप भाव है कि पुण्य भाव है, धन सामग्री को भोगने का भाव पाप भाव, पाप भाव से पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा, तो पुण्य का फल अच्छा है कि बुरा है, बुरा है, फिर भी लोग हर्षित होते हैं और पाप के फल में रोते हैं, जबकि पाप के फल को साम्य भाव से भोगना तो पुण्य बंध का कारण है कि पाप बंध का, पुण्य बंध का, पुण्य बंध का कारण है, तो वो है असली अच्छा हुआ यदि हुआ तो, लेकिन जगत उल्टा चलता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भाई पुण्य के फल में पाप, पुण्य के फल में हंसना बंद करो और पाप के फल में रोना बंद करो, ये पुद्गल पर्याय मनुष्य पर्याय अधिक समय रहने वाली नहीं है, ये स्थिर नहीं है, और अपनी तो बहुत छोटी है, अभी जो अपन पंचम काल में पैदा हुए हैं अपनी कितनी आयु है, कितनी आयु है, सौ झीलोगे, सौ कोई नहीं जीने वाले बैठे रहते, आप झीलो एक अलग बात है, मैक्सिमम भी सौ भी, अब एवरेज आयु देखो आप आदमी की कितनी, हिंदुस्तान में एवरेज आयु 56 साल है, इंडिया क्या 56 जो गवर्नमेंट के फिगर बोलते हैं बता रहा हूँ, 56 में से अपने कितने फिगर गए, 40 तो हो गए पूरे लगभग, 15 बचे, 15 भी कैसे बीत जाएंगे, पता नहीं चले, खत्म आए हैं चले, सोचते ही रहेगा ये करना है वो करना है करना है करना है करना है, पर यह पूरी बीत जाती, मृत्यु भी नहीं आए, बुढ़ापा आ जाए, पढ़ना बंद लिखना बंद, आँख से दिखना बंद, कान से सुनना बंद, दिमाग चलना बंद, इंद्रियों की शक्ति खत्म, क्या करें, जैसे तैसे काल गवाओ, मतलब समय कितना कम है, ये मनुष्य पर्याय 50-55 साल की है लगभग, असली तो पर्याय देखो जब तक बुद्धि चले समझ लो 45-50 की है, 50 के बाद तो आदमी गया, 60 तक तो वो आधा सठिया जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं क्या, तो 60 तक तो वो कौन की बुद्धि कैसी क्या रहेगी ठीक क्या पता, उसके पहले ही अपने जितना कर लिया सो कर लिया, धर्म ध्यान की उम्र तो युवावस्था की है, युवावस्था में जो धर्म ध्यान हो गया सो हो गया, बाद में तो उसका फल भोगना है, यदि पहले कर लिया तो बाद में उसका फल भोगोगे, और पहले नहीं हुआ तो बाद में आकुलता से चिल्लाओगे रोओगे बिल्लाओगे और क्या, बहुत छोटी जिंदगी है मनुष्य, कब सूरज चांद निकलते हैं, कब दिन बीत जाता है, रात कब हो जाती है, कब महीनों के महीने बीत जाते पता चलता, क्या कब अपना अगला सप्ताह आ जाता फिर क्लास आ जाती, ऐसे एक एक सप्ताह करके 4 सप्ताह हो जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, महीनों से महीने करके साल हो जाते हैं, सालों के साल हो जाते हैं, दसों साल हो जाते हैं, एक एक शतक एक जो है दशक निकल जाता है, ऐसे करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, पता ही नहीं चलता, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पा, ओस बूंद जो गले धूप में वाह अंजलि पानी, जैसे ओस की बूंद पानी में गल जाती दिखती है अटर टटर खत्म, वाह अंजलि में पानी, अंजलि में पानी रखा कैसे धीरे धीरे करके, ऐसे अपनी जिंदगी धीरे धीरे पूरी हो जाती है,
ओस बूंद जो गले धूप में वहाँ अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्षण 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 अपनी आयु बीत रही है, क्या समझे प्राण। इंद्रजाल आकाश नगर समझक संपत्ति सारी, अति रूप संसार विचारो सब न परमान। अस्थिर है संसार, बहुत अस्थिर है, क्षण भर में क्या हो सकता है, यहाँ बैठे हैं भी आराम से, क्षण भर बाहर जाने पर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये मनुष्य पर्याय के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, चिंता करनी है तो अपने आत्म कल्याण की करो, निज आत्मा को ध्याओ, उसका चिंतन, उसको ध्यान, उसका ध्यान करो। परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को ध्याओ, परद्रव्यों से भिन्नता की भावना सतत भाव कि भिन्न है और भिन्न है और कभी भिन्न सचमुच हो जाएगा मतलब पर्याय छूट जाएगी कभी, तो पहले छूटे उसके पहले भिन्नता की भावना पा लेना चाहिए, क्योंकि तो छूट जाएगी उसके बाद फिर भाव गए तो अगली पर्याय अगले शरीर में अपनापन करके फिर उसमें राग द्वेष मोह राग द्वेष चल जाएगा। अरे कर्म दुनिया मनुष्य का समय तो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा, बहुत 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 थोड़ा, इसलिए अपने हर समय का उपयोग अपने निजात्मा के ध्यान में करना चाहिए, निजात्मा के ध्यान के लिए तत्व का अभ्यास करना चाहिए, तत्व के अभ्यास के लिए अपने हर समय का उपयोग शास्त्राभ्यास में करना चाहिए। आज लेके आए पढ़ने आप लोग, लेके आए कितने लोग लेके आए, हाथ खड़ा करना, तीन और बाकी सब घर पर क्या है, चल ले लो ये जिसको चाहिए और एक एक लिए मेरे पास ले लो, ये चाहिए हो एक पढ़ने के ले लो, क्या आप दोनों ही लाए, ये दिया था ना पिछली बार आप भी थे, आप नहीं आए थे पिछली बार तो आपको कैसे मिलेगा, आप भी घर पर है क्या हो गया, जो लेके जिनको दिया था वो भी घर रखा है, तो पिछली बार दिए थे कि नहीं बनने, फोटो कॉपी कराने का मतलब ही निकला ना, पेज नंबर निकालो 14 पुनः अर्थ का पक्षपाती कहता है, क्या कहता है पुनः अर्थ, अर्थ माने अर्थ किसे कहते हैं, अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ मतलब धन, धन धन का पक्षपाती कहता है, क्या कहता है देखो, इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या क्या हो, इस शास्त्र का अभ्यास करने तुम झड़ाला बढ़ा रहे उससे क्या हो जाएगा, यदि कुछ करना ही है तो ये हम बताते हैं करो, क्या करो, सब काम देखो धन से होते हैं आजकल दुनिया में, धन से ही प्रभावना आदि धर्म उत्पन्न होते हैं, पेज नंबर 14 पे निकाला, मिला कि नहीं मिला, हैं मिल गया, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ क्या कहता है वो, इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या है, क्या मतलब, सारे काम पैसे से होते हैं, धन से होते हैं, धर्म भी धन से ही होता है ऐसा मानता है, धन से ही प्रभावना, धर्म की प्रभावना आदि धर्म उत्पन्न होते हैं, और धनवान के निकट अनेक पंडित आकर उपस्थित होते हैं, पैसे वालों के पास भैया सब लोग चक्कर लगाते हैं, अच्छे अच्छे पंडित भी चक्कर लगाते हैं, महाराज भी आ जाते हैं, त्यागी व्यक्ति भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, अन्य भी सब कामों की सिद्धि होती है, इसलिए धन प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पैसे कमाने का मेहनत करनी चाहिए, ये कहाँ इस पर लग गए अपन जबरदस्ती, एक घंटे भी दुकान में बैठते तो कम से कम 100-200 रुपए की कमाई तो होती, यहाँ बैठ के क्या मिल रहा, फिर दान दे देते धर्मात्मा का सर्टिफिकेट ही मिल जाता, किसी ज्यादा छोड़े इकट्ठे हो जाते किसी पंडित को भी बुला लेते, प्रमाण जुलूस वलूस भी निकलवा लेते,
सारे काम तो धन से ही होते हैं, इसलिए ये शास्त्राभ्यास करने से कोई सिद्धि नहीं है, धन कमाना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। उससे कहते हैं, अरे पापी, मैंने जो ऐसी बातें करे वो क्या कहे उसको, अरे पापी सुन, धन कुछ अपने उत्पन्न करने से उत्पन्न नहीं होता, धन तेरे पैदा करने से हो जाता, जा, यदि तेरे पैदा करने से हो जाता तो फिर सीधे बिल गेट्स जितने ही कमा के लाना, क्यों तो थोड़ा थोड़ा करके ला रहा है, इकट्ठा पूरा एक साथ ही कमा ला आज के आज, अपने उत्पन्न करने से होता है, अपने आदमी की मेहनत से होता हो तो सारे भिखारी भीख क्यों मांगे, कर ले वो भी सब पैदा, कैसे होता है फिर, भाग्य से होता है। कहते भी ना लोग नहीं भैया इसका भाग्य बहुत अच्छा है, जिसमें हाथ डालता है पैसा, और कोई ऐसा है कि पूरी मेहनत करता रहता है लेकिन बस जिसमें हाथ डालता है उसको फूट जाता है, ऐसा लोग देखते ही देखते हैं। क्या वो अब कैसे आता है वो ग्रंथ, तेरे उत्पन्न मतलब धन कुछ अपने उत्पन्न करने से उत्पन्न नहीं होता, कैसे होता है, भाग्य से होता है, और ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य। ग्रंथाभ्यास से क्या हो रहा है व्यक्ति में, पुण्य की उत्पत्ति हो रही है, इसी का नाम भाग्य। भाग्य कोई दूसरी चीज, ये जो पुण्य संचय हुआ है इसी का उदय आना वो भाग्य, उससे आता है पैसा। अभी सुनो तो सही, अभी तो उसको पैसे वाले को, पापी को तो ऐसे जवाब देना पड़ेगा ना, पापी को कहेंगे पुण्य भी है तो कह दिया कि पुण्य तो है जब तक पाप कर रहा हूँ, पापी को ये कहेंगे कि पुण्य कर तो पैसा उससे आएगा, जो कह रहा है मेरे को तो पैसा ही कमाना है तो उसको कहेंगे कि देख पैसा भाग्य से आता है, तू शास्त्राभ्यास करेगा तो उससे भी पुण्य बंधेगा और उससे भी पैसा आ जाएगा, पैसा ही चाहिए ना तो पैसा भी इससे ही आ जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है। इसलिए धन प्राप्त होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होएगा बता, यदि होना है पैसा तो शास्त्राभ्यास करेंगे तो उससे कैसे नहीं होएगा, बल्कि उससे तो पुण्य बढ़ेगा तो होएगा ही ना, और यदि धन नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे हो जाएगा, यदि नहीं होना है तो तू ये नहीं करेगा और दुकान पर ही बैठा रह जाएगा तो उससे कैसे हो जाएगा, उससे क्या भाग्य आ जाएगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा। इसलिए धन का होना ना होना तो उद्याधीन है, शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होते हो, क्या शास्त्राभ्यास में क्यों कमजोर होते हो, और सुनो धन है वो विनाशी के चार विशेषण देंगे इसके लिए। सबसे पहला धन है वह तो विनाशी के, भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है और नरक आदि का कारण। क्या क्या कहे, धन है वो तो विनाशी के, पर भव में साथ में जाएगा, इस भव में भी विनष्ट हो सकता है, फटाफट पटरी बदल तो देनी लगती है, आज करोड़पति है कल करोड़पति, एकदम क्षण भंगुर है तो। लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी को वेश्या की उपमा दी है, वेश्या किसी एक के पास नहीं रहती, नियम से घर बदल देती है, ऐसी लक्ष्मी पुण्य की दासी है, जब तक पुण्य जिसके पास में तब तक है घर बदल देती है। कितने बुद्धिमान हो, कोई सोचे बहुत बुद्धिमान हूँ मेरे पास रहेगी नहीं, कोई सोचे बहुत विद्वान हूँ बहुत मैं बहुत शूरवीर हूँ मेरे पास रह लेगी, कोई सोचे मैं बहुत पंडित हूँ धर्मात्मा हूँ मेरे पास रह लेगी, कोई सोचे मेरी बहुत पहचान है मेरे पास रह लेगी, कोई सोचे मेरी बहुत कलाएं हैं, ऐसे अनेक कितने ही सोचने वाले आ जाएं यहाँ, लेकिन लक्ष्मी कभी किसी की होती नहीं है, वो केवल एक की दासी है, किसकी, पुण्य की, जिसके पास पुण्य होगा उसके लिए, भले वो आदमी बिल्कुल अंगूठा छाप उसको नहीं देखती, अंगूठा छाप है लेकिन पुण्य का उदय है उसको मिल जाएगी, और पढ़ा लिखा है पाप का उदय है नहीं रहेगी। क्या उसका संबंध पुण्य पाप से है, अपने पुरुषार्थ से नहीं है, कोई सोचे मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत करने से कुछ नहीं आ रहा है, सब पुण्य के उदय से आ रहा है,
मेहनत करने से आता होता तो कोई भिखारी नहीं रहता, कोई इतनी मेहनत करते हैं, ठेला चलाते हैं लोग, इतनी मेहनत करते हैं, दुकान खोल के बैठते हैं सुबह शाम, कुछ नहीं होता, राग नहीं आता, और घर चले गए और फोन आ गया, क्या दिन भर बैठे रहे दुकान पे, कोई आए नहीं आए, कुछ नहीं, किसी की जरूरत थी दुकान से घर चले गए और वहाँ फोन आ रहा। क्या ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, और ऐसे भी लोग हैं जो सुबह से 8 बजे से खोल के बैठ रहे थे आराम। तो वो आना नहीं आना तो पुण्य के उदय से, और आ भी जाएंगे तो कोई सदाकाल रहने वाली नहीं, तो तुम धर्म करने में क्यों शिथिल होते? क्या अपना काम तो करो ना, ये तो अपने उदयाधीन है, आएगी तो आएगी उदय के अधीन है, और रहेगी भी तो उदय के अधीन है, अपनी इसमें चलनी नहीं है, तो अपना जो मूल काम है वो काम क्यों छोड़ो? ठीक है, तो एक तो ये विनाशी के सदाकाल रहने वाली नहीं है, धन जो है शाश्वत रहने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है। दूसरा भय संयुक्त है, डर का कारण है, ये आता है और डर लेके आता है, अधिक धन होगा तो क्या होगा, तो डर बना लेगा, रेट नहीं लग जाए। अपने को भय रहता है किसी को क्या कि रेट क्या होती है, रेट लग जाए आगे क्या ले जाएगा, पटिए और किताबें और वो चमचे और क्या होते गिलासे पानी के, क्या ले जाएगा, रेट करेगा तो कुछ हो तो रेट पड़े। और इसको संभालने की चिंता किसको, जिनके पास खूब हो संभालने की चिंता करे भाई, धन ऐसा है, धन आता है ना तो वो उसको संभालने की चिंता को लेके आता है, और उसको संभालो आप, जैसे अभी मैं आपके पास कोई चीज़ रख के चले जाऊँ और संभालते रहो उसको, जब तक नहीं आएंगे तब तक संभालो। ऐसे संसार में ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो पुण्य का उदय वाला कोई जीव आने वाला है, समझ लो बच्चा है, बांधा है पुण्य ने, तो पिताजी उसके उसको देने के लिए उसकी बुढ़ापे तक उसकी सेवा कर करके रखे, क्योंकि देना है ना उसको, पिछले भाव का कोई कर्जदार है तो कर्जा लेके आया उसका, तो कर्जदार कैसे चुकाएगा, पूरी मेहनत से पूरा उसका पालन पोषण करके सब कुछ करके सब कुछ उसको दे के जाएगा और मरेगा, इससे बढ़िया नौकर और कौन हो सकता है संसार में, पिताजी से अच्छा दुनिया में सबसे बढ़िया यदि कोई है मेरे हिसाब से नौकर जो बिल्कुल ईमानदार हो, वफादारी से काम करे, लोग कहते हैं स्वान बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, स्वान यार क्या करता है बेचारा, स्वान को तो रोटी भी डालनी पड़ती है, ये तो नहीं भी डालो तो भी काम करता, इतनी ईमानदारी से अपने पुत्र के प्रति भक्ति रहती है इनकी कि उसके लिए खाना पीना सब छोड़ के दुकान में बैठ सकते हैं आराम से उसको देखने के लिए। तो स्वान का लगता है उसके आगे, बच्चा तेरे को पसंद आती क्या है, हाँ मेरे पिताजी बहुत पसंद है बेटा, लेकिन ये महंगी है तो क्या पता, मेरे को तो यही अच्छी लगती है, तो पिताजी उसके लिए उसको ला के उसको दे के वो मैंने बड़ा पसंद आता, हाँ मैंने बहुत बड़ा काम किया, इसकी इच्छा पूरी कर दी क्या होती कि नहीं स्थिति है, तो वो उसका दायेदार है, वो भय संयुक्त है, वो मैंने वो चिंता का कारण है, वो बेचारा पिता जो है पूरी चिंता पाल के रखता है, धन कमाने की आकुलता उसको है, धन कमाने के बाद में आ जाए तो उसको बढ़ाने की आकुलता, और बढ़ाने में यदि घट जाए तो आकुलता, और उसको संभाल के रखने में आपकी आकुलता, नष्ट नहीं हो जाए उसकी आकुलता, मैंने धन को धन की आदि में अंत में और मध्य में दुख ही दुख है, स्टार्टिंग में दुख कमाने में दुख, 10 लोगों को बनाना बटाना समझाना ये करना वो करना और काम कुछ उठा सुठा कमाने की आकुलता, फिर उसके बाद में टिकाए रखने की आकुलता बना रहे, और टिकाए रखने की नहीं आजकल तो लोगों को बढ़ाने की आकुलता, बढ़े बढ़ने में कभी घट नहीं जाए इसकी भी आकुलता, तो ये सब आकुलता का कारण है, भय संयुक्त है, डर तो डर बना रहता है, 2 नंबर वालों को आपको मालूम नहीं कितना डर रहता है, कब रेट लग जाए क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, क्या नींद नहीं आती बेचारों को, तो नींद लाने के लिए क्या करें, गोली लेनी पड़ती नींद की, और यहाँ लोगों को कहना पड़ता है यार उठो सो मत जाना कहीं जाग, है कि नहीं है, तो भय है, क्योंकि भय नहीं ना किसी को,
धन जो है भय से ही होते, दूसरा पाप से उत्पन्न होता है, उसका जो कारण है वो कौन है, पाप है, कोई पुण्य से तो आता नहीं है, पाप से आता है। माने धन कमाने का जो उद्यम किया वो पुण्य है कि पाप है, दुकान पे बैठना पुण्य की पाप है, किसी को पुण्य तो नहीं लगता है ना, जैसे किसी को ये भी लगता हो पुण्य हो, वो पाप ही है। माने कमाने का जितना भी कार्य है वो सब पाप ही है, तो जो आता भी है वो पाप करने से आता है, पाप बांधने में पुण्य का उदय आता है, पाप ही कारण परिग्रह अपने आप ही में पाप है। क्या हिंसा से झूठ बोल रहे, चोरी करके किसी, और वो भी अरे कुछ नहीं कर रहा तो भी दुकान पे बैठा है, परिग्रह जोड़ने के लिए तो बैठा है, तो परिग्रह जोड़ने का भाव पुण्य की पाप है, पाप पाप, तो पाप से उत्पन्न होता है। वो कहाँ आगे कहाँ ले जाएगा, वो पैसा खूब हो गया, वो कौन सी गति का कारण है, नरक गति का कारण, फिर भी लोगों को इतना अच्छा लगता है। मैंने जो जीव नरक निगोद जाने वाले हैं उनका सम्मान हो रहा है, जो स्वर्ग मोक्ष जाने वाले हैं उनको याद ही नहीं कर रहा है। हार किसको मिल रहे हैं, नरक जाने नरक गामी, उसको उपमा देनी चाहिए, अब नरक गामी का हार, अब निगोद गामी का हार, नाम बुलाओ तुम पे, अब सबसे पहले सातवें नरक वाले आएंगे, अब इन्होंने सबसे बड़ी बोली ली है, मतलब इसके बाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वाला कहाँ जाएगा, छठे में सातवें में पांचवें, छठे में तो इस काल में जहाँ तक जा सकता है पांचवें तक जा सकता है, तो पांचवें नरक में जाने वाले यहाँ आ रहे हैं, इनका यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं क्योंकि वहाँ डंडे पड़ेंगे यहाँ पे, क्यों इसका कारण आगे तो ये फल है भाई, शास्त्र में लिखा है बहु आलम्ब और बहु परिग्रह नरक, बहु आलम्ब बहु परिग्रह तम नरक शायुष, बहुत आलम्ब बहु परिग्रह नरक आयु के आश्रय का कारण। धन तो अपने आजीवी अपने जीवन चलाने के लिए होता है, लोगों ने धन जोड़ में ही उद्देश्य बना लिया जीवन का, धन जीवन चलाने के लिए है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं है। क्या जीवन धन के लिए है कि धन धन जीवन जो है धन के लिए है कि धन उत्ता कमा ले जिससे कि धन जीवन के लिए, काय के लिए बताओ, जीवन के लिए, लेकिन अपन ने जीवन को धन के लिए मान रखा है। जैनियों में तो फिर भी इतनी कम है, थोड़ी बहुत आते हैं, ये तो अग्रवाल माहेश्वरी वहाँ तो मानते हैं कि लक्ष्मी जो है, मैंने हम लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं, लक्ष्मी कमा के हम देवी की भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो वो तो जीवन का उद्देश्य ही मानते हैं कि जीवन में वही आदमी सफल है, वही कार्य कर रहा है जीवन में, उसी ने सार्थक किया है जिसने खूब जोड़ा है, खूब जोड़ो, तो अपन भगवान जिन्हें माना सब उनके भगवान की वो आज्ञा मान रहे हैं। लेकिन जैनियों में इतनी प्रवृत्ति तो खैर नहीं है, कम से कम वो इतना तो नहीं मानते, लेकिन जो जो इनमें भी जब जिनको तत्व का अभ्यास नहीं है, धर्म की जिनकी बुद्धि नहीं है, उनके भी कई लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है, क्या, धन जोड़ना, धन जोड़ना, लोग भी ऐसी बातें करते हैं, संगति भी ऐसी रहती है हर एक का, और कितना कितना हुआ, कितना हुआ, किसमें कितना कमाया, उसमें इतना कमाया, और लोग आपस में उसी से अपना बढ़पन बताते हैं, मैंने इतना कमा लिया है, मैंने इसमें इतना, मैंने यहाँ इतना खरीदा, इतना बढ़ गया, और ये इतना हो गया, वो हो गया, हो गया। मैंने चर्चा का विषय ये नहीं है कि अपन अगली गति में कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, सात तत्व क्या है, छह द्रव्य क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, वो तो विषय क्या है, किसके भाव बढ़ने वाले हैं, कहाँ के भाव बढ़ने वाले हैं, कौन सी चीज़ के भाव बढ़ने वाले। अरे तो तेरे आत्मा के भाव बढ़ा, ये सब अपने आप बढ़ जाएंगे, और आत्मा के भाव ही नहीं बढ़े तो ये सब घट जाएंगे, समझ में आया ना। देखो अब और आगे क्या कहते हैं, और ये शास्त्राभ्यास रूप तो आगे कौन सी गति कारण है, नरक गति का कारण है, और यह शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है, सुनो जो शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है वो कैसा है, अविनाशी है, भय रहित है और धर्म रूप है, कैसा है वो, चारों उसके विपरीत विशेषण। सबसे पहला विशेषण क्या दिया था, धन को विनाशी के, दूसरा भय संयुक्त है, तीसरा पाप रूप है, चौथा नरक का कारण। अब इसके चारों उल्टे लगा लो, सबसे पहला क्या कहा था, विनाशी के, और ज्ञान धन अविनाशी, वो अगले भव में भी साथ जाएगा, चिंता की, क्योंकि ज्ञान अपना आत्मा का
गुण है, आत्मा का गुण ट्रांसफर होता है, आत्मा का जो गुण है वो गुण उससे अलग नहीं होता, ज्ञान उसका परभव में भी साथ जाता है, वो सारा का सारा परभव में जाके उपस्थित हो जाता है, सारा सम्यक ज्ञान जो यहाँ पढ़ा है ना वो बिना अल्प प्रयास के बहुत थोड़े से प्रयास से सब उपस्थित हो जाता है परभव। ज्ञान धन अविनाशी, वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान तक जाता है, सम्यक ज्ञान एक बार प्रकट हो जाए तो वो कब तक रहता है, केवल ज्ञान तक, बल्कि केवल ज्ञान में जाके मिल जाता है, तो केवल ज्ञान कब तक रहता है फिर, अनंत काल। तो वो सम्यक ज्ञान एक बार हुआ तो वो कब तक रहेगा, अनंत काल तक। तो वो कौन हुआ, अविनाशी हुआ, यानी ज्ञान धन है वो अविनाशी है। लोग में भी कहा जाता है देखो कि ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, क्या और जितना जितना खर्च करो उतना उतना बढ़ता है, इसके चुराए जाने का कोई भय नहीं, ये स्किल्स अपनी है, जैसे कहते हैं ना लोग में स्किल्स है, जैसे ज्ञान रूप जो अपनी अविनाशी पूंजी है वो इसी भाव की स्किल नहीं है, वो पर भाव में भी वो स्किल अपने काम आएगी। ऐसे वाले की प्रशंसा स्तुति कहाँ होगी, चार जनों के बीच में, राजा की स्तुति उसके गांव में, और ज्ञानवान की स्तुति सारे लोग, क्या तीन लोक में वो स्तुति का कारण। तो एक तो वो अविनाशी है ज्ञान रूप धन, दूसरा भय रहित है, उसमें कोई भय नहीं है कि इसको कोई चुरा लेगा, सोते सोते अपने मुझे डर थोड़ी लगता कि अपनी ये अपन ने आज तीसरी डाल याद के लिए कहीं कोई रात को कोई चुरा नहीं लेगा, तो मालूम है सुबह भी याद रहे, बच्चे स्कूल के लिए पढ़ाई करते हैं रात को सोते हैं पढ़ाई कर करके, उनको मालूम है ज्ञान धन नहीं जाएगा, ये जो अपन ने याद किया पढ़ाई की अपने को साथ रही, तो उसमें कोई भय नहीं है, भय का है, बल्कि भयों से मुक्त कौन करता है, ज्ञान मुक्त करता है। दूसरा धर्म रूप है, ज्ञान धन है वो कैसा है, धर्म रूप है, लौकिक धन पाप रूप है, और ये क्या है, धर्म रूप, लौकिक धन पाप से आता है और ज्ञान धन शास्त्राभ्यास करने रूप पुण्य से आता है, पुण्य है उसका कारण, मतलब उसमें क्या है, पुण्य की प्राप्ति। और दूसरी बात स्वर्ग मोक्ष का कारण, आगामी भी बहुत अच्छा भला होना है उसका, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। इसलिए महंत पुरुष तो, महंत पुरुष माने महापुरुष लोग तो, तीर्थंकर आदि महापुरुष तो धनादिक को छोड़कर उन्होंने सब क्या, ये सब प्रपंच को छोड़ दिया, पैसा ऐसा कमाने में नहीं लगी, तीर्थंकर क्या करें, क्या अब इन जैनी लोगों के लिए चलो अपन मंदिर बनवा दो, तीर्थंकरों ने क्या किया, अपना आत्म कल्याण में लगे, समाज के प्रपंच में फंसेगा और किसी के कि यहाँ ये कर देना, चलो इसका उद्धार कर दो, इसका उद्धार कर दो, किसी तीर्थ का उद्धार, किसी मंदिर का उद्धार, किसी का जीर्णोद्धार, किसी का देश का भला, किसी गांव का भला, कुछ नहीं, एक अपने निज आत्मा की साधना की और उससे केवल ज्ञान प्राप्त किया और जगत के जीवों का कल्याण अपने आप हो गया। माने वो धन को जो एक बार छोड़ा तो धन के किसी कार्य में उलझते ही नहीं, जिस कार्य में धन का कोई प्रसंग भी होता। तो महापुरुष तो धनादिक को छोड़कर शास्त्राभ्यास में लगते हैं, और तुम पापी शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन उत्पन्न करने की बड़ाई करते हो, पैसा पैदा करने की बड़ाई करते हो, सो तुम अनंत संसारी हो। इसका मतलब क्या है, अभी तुम्हारा संसार बहुत बचा है, अभी संसार में रखना बचा है, जब ये ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है कि महापुरुष जो काम करे, महंत पुरुष तो धनादिक को छोड़कर शास्त्राभ्यास में लगे, मुनि बने, ज्ञान ध्यान तप में लगे, और तू पापी क्या कह रहा है कि शास्त्राभ्यास छोड़ के क्या करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, सब काम उससे होते हैं, तो लगता है तू अनंत संसारी है। तथा तुमने कहा प्रभावना आदि धर्म भी धन से ही होते हैं, तो ये नहीं कहा ना सब प्रभावना जुलूस भी बड़े बड़े धन से ही निकलते हैं, सब कार्य सब काम मंदिर में भी जो होते हैं धन से ही होते हैं, सो प्रभावना आदि धर्म में किंचित सावध्य क्रिया से ही उगते हैं, ये जुलूस निकालना उसमें वो कह रहे सावध्य, सावध्य माने हिंसा आदि कार्यों से संयुक्त है, उसमें पाप है, वो कोई पूरा निर्वध्य नहीं है, बिल्कुल निर्दोष नहीं है, और उसमें बहुत प्रपंच के काम है, वो सब जितने प्रभावना के काम है ये कोई निर्विकल्प वाले काम नहीं है, विकल्पात्मक है, और सावध्य क्रिया संयुक्त है माने हिंसा आदि क्रियाओं से संयुक्त है, और उनसे समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है वो प्रधान है, माने उन सब में प्रधान कौन है जो समस्त सावध्य रहित, माने यहाँ जो अपन काम कर रहे हैं इसमें कौन सा सावध्य है, क्या हिंसा कर रहे हैं, बैठे बैठे झूठ बोल रहे हैं,
कोई विकल्प होने बहुत सारे नहीं, निर्विकल्प होने का साधन है, सारे हिंसा आदि पाप छोड़ने का साधन, सारे पाप कार्यों से अपन क्या हो इतनी देर के लिए नहीं थे, हिंसा झूठ चोरी कुछ न, चार कषाय करते हैं न पांच पाप कर रहे हैं, न पांच इंद्रिय के विषय हो गए, न कोई मन अपना चंचल है, सब एकाग हो गया, अपने आप सब पाप छूट जाते हैं। और यूँ पाप छोड़ने की कितनी सोचो, ये छोड़े ये छोड़े, ये तो इतना सरल काम है, मैंने जिनवाणी सुनने से सरल काम और क्या हो सकता। तो शास्त्राभ्यास रूप जो धर्म ध्यान है वो सब धर्म ध्यान में प्रधान है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो पीछे, उनमें समस्त समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है वह प्रधान है। यदि ये धर्म शास्त्राभ्यास रूप धर्म प्रधान नहीं होता, यदि ऐसा ना होता तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावना आदि धर्म साध्य थे, कई महापुरुष जो हुए गृहस्थ अवस्था में प्रभावना वगैरह करते थे, तो उनको छोड़कर मैंने उस प्रभावना के काम छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में क्यों लगते हैं। यदि प्रभावना ही करना बहुत बड़ा धर्म होता तो उन्होंने प्रभावना छोड़ के शास्त्राभ्यास को क्यों अपनाया, ज्ञान ध्यान और तप को क्यों अपनाया। और सुन, शास्त्राभ्यास से प्रभावना आदि भी विशेष होती है, बिना शास्त्राभ्यास के क्या प्रभावना करोगे, बस ये करोगे तुम जाके बाहर जाके बैंड गुला गलाओगे और वो बस बजाएगा, और वो भी क्या भजन बजाएगा, केसरिया केसरिया लंग तुम्हारा केसरिया, और क्या गाएगा। इससे ज्यादा और क्या है बेचारा, उस क्या करती है उसे, तुम्हारी चुन्नी का रंग केसरिया, कपड़े का रंग केसरिया, बाल केसरिया, सब केसरिया, थाली केसरिया, और क्या होगा, केसरिया केसरिया। जो भजन भजन की जो स्टैंडर्ड है वो यही, इससे ज्यादा कहाँ है इसके स्तर, केसरिया केसरिया, मंदिर को रंग भी केसरिया, पूजन की थाल भी केसरिया, चम्मच भी केसरिया, कटोरी भी केसरिया, चावल भी केसरिया, सब केसरिया, और धर्म हो गया ज्यादा हो जाए तो बाजे छम 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 बाजे घुंगरू, क्या मतलब उसमें कोई तात्विक बात तो कुछ है नहीं, कि तत्व की बात होती है कुछ नहीं, तात्विक कोई बात ही नहीं है उसमें, तत्व की क्या बात होता, फिर समझा है कोई उसमें कि ये केसरिया में क्या हो गया, केसरिया झंडा भी केसरिया, सब केसरिया सब, तो ये कोई वो तो ही नहीं, ये जय जय सिया राम वाली जगह, ये सब केसरिया है। उनका जुलूस निकल रहा था जरूर, बोलो सब केसरिया सब केसरिया सब पीला पीला केसरिया, लेकिन यहाँ से क्या लेना देना है केसरिया से, भगवान केसरिया थे क्या कोई, और वो तो देह के रंग है, उद्गल का वर्ण है, उसमें क्या लेना देना उस बात से। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, जो कोई तेरे दर पर, तेरा दर है वो इच्छा कर क्या, धन सुध सब कुछ पावे, संकट मिट जाए, लेकिन ये भी सब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं विचार करता हूँ इसमें तत्व की बात क्या है, इसमें तो मांगने भिखारी बनाने की बात है, जो कोई तेरे दर पे आए, मैंने हम तेरे दर पे भीख मांगना है, धन सुध पैसा बच्चा ये सब, वो कह रहे हैं कि ये सब पुण्य पाप के फल में हर्षित मत हो, और हम कह रहे हैं कि पुण्य का फल दो, वो कह रहे हैं पाप के फल में रो मत, और हम कह रहे हैं पाप के फल को दूर करो, तो वो भगवान की शिक्षा से तो विपरीत बात हो गई, छेड़ाला कुछ और कह रही है और ये कुछ और ही कर रहे हैं, तो छेड़ाला तो कह रहे हैं कि पुण्य का उदय आ भी जाए तेरे तो उसमें हंस मत, और पाप का उदय आ जाए तो रो मत, पुण्य पाप के उदय में समता भाव रख, कोई बात नहीं है, तो पुद्गल पर्याय है, दो दिन की चली जाएगी। और ये क्या कह रहे हैं कि तू यही मांगने जा, कितना अंतर है, बल्कि तत्व के विपरीत है, तत्व की नहीं भी हो तो चलो केसरिया में तो तत्व के विपरीत नहीं, लेकिन यहाँ तो तत्व ही नहीं है ना, मांगने की बात सिखा रहे तो, और मांगना तो मतलब जैन धर्म के अंदर तो मांगने से बड़ा कोई पाप ही नहीं है, वो कहते हैं कि तेरे को मांगना नहीं, हम तेरे को कह रहे ना तू स्वयं भगवान है,
तू स्वयं अपने ज्ञानानंद निधि का स्वामी है, तू अपने में देख, हमने अपने में देखा तो हम भगवान बन गए, तू भी अपने में देख, हमने तेरे को अपने में देखने का बुलाया, हमने तेरे से ये जड़ पदार्थ मांगने की नहीं कही, हमने छोड़ो और तू हमसे मांग रहा है, वो कह रहा तेरे दर पे आए क्या। तो अपन विचार करें क्या है, यदि ये मेरे को कहना, मैं तो कहता हूँ प्रभाव ना करनी है तो ये गाँव छेड़ाना अच्छे से, पुण्य पाप कल महास बारह भाव ना भाव सामाई कपाड़ गाओ, लेकिन ढोलक वालों से बैंड बाजे वालों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, हाँ तो वही चलेंगे बस जो चालू चीजें हैं, और ज्यादा हो जाएगा तो फिर पिक्चर गाने में आप जैन कुल में जन्मे हो महान कह रहे हो, आप जैन कुल में जन्मे हो अभिमान करो, क्या का अभिमान करो किस बात का, ढम ढमा ढम ढम ढमा ढम 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 मजा आ, कुछ खबर है नहीं। और प्रभावना करनी है, प्रभावना किसकी नाम है, कहते हैं शास्त्राभ्यास से प्रभावना आदि विशेष होती है, तत्व का भगवान जिनेन्द्र का क्या धर्म है ये समझ में उसको ही आएगा जिसको खुद को पता होगा, वो ही प्रभावना करने में समर्थ होगा, जैन धर्म समझाने में कौन, नहीं तो जैन धर्म में ऊपर ही ऊपर रहेगा ऐसे। जो असली जैन धर्म है तत्वाभ्यास छह द्रव्य सात तत्व, मैंने जो भेद विज्ञान है जो मूल जैन धर्म, तो मूल जैन धर्म बिना शास्त्राभ्यास के समझ में आने वाला, नहीं तो फिर ऐसे जुलूस निकालने से धर्म होता तो अन्य मत के भी निकलते हैं, तो मित्ते का निकालोगे तुमसे बड़ा निकालो, तो धन की प्रभावना धन का प्रदर्शन कहीं धर्म की प्रभावना नहीं, मूल तत्व 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 का प्रचार प्रसार होवे और हमारे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार होवे उसमें जैन धर्म की प्रभावना है, और वो बिना शास्त्राभ्यास के नहीं हो सकती, ठीक है नहीं, शास्त्राभ्यास से प्रभावना आदि विशेष होती। अब तुमने कहा कि धनवान के भी एक पॉइंट और है उसका, कौन सा, कि धनवान के निकट को पंडित आके रहते हैं साहब, तो पंडित भी जो है ना उन्हीं के पास आते हैं, इसलिए अपने पैसा को बोलना चाहिए, वो सब आके फिर अपनी नौकरी वगैरह तो सिखा भी देते हैं, उनसे सीखना हो तो सीख भी लो, अपन ट्यूशन कर लो, अपनी पर्सनल ट्यूशन, मेरे को लोग पर्सनल ट्यूशन, मैंने कहा देखो पर्सनल ट्यूशन में जो है ना तुम सीखोगे और ना हम सिखाएंगे, तुम्हें सीखना हो तो मंदिर में आओ, नहीं मंदिर में आने में शर्म आती है, लेकिन क्या मेरे को भी तुम्हारे आने में शर्म आती है, यदि आना है तो वहाँ आओ ना, एक एक को किस किस को सिखाएंगे और कितना सिखाएंगे, और तुम्हें अभी इतने अभिमान नहीं गया कि तुम साथ में बैठ के पढ़ सक सकते हो, तो तुम्हारे में अभी पात्रता ही कहाँ है, और पर्सनल ट्यूशन तो गणित की होती है, गणित फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो सब साथ में आके सीखे परस्पर में चर्चा करें साधारणियों के साथ मिले बैठे, ये कोई घर घर की ट्यूशन है या ये कोई, और घर में क्यों सीखे, मंदिर का ही बनाया हमारे पूर्वजों ने, कोई घर भर नहीं, आओ यहाँ पे थोड़ा अपना अभिमान छोड़ो सम्मान छोड़ो मान सम्मान छोड़ो बैठो शांति से यहाँ एक जगह आओ, क्या चाहते हो, नो क्लास, बोला आपकी फीस जरूर ज़्यादा होगी इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं, मैंने कहा फीस वीस की कोई बात नहीं है भैया, क्या तुम्हें क्या समझाए, क्या ये कोई सरकारी ऑफिसर तो ही नहीं जो जहाँ जितना मना कर रहा है उसको उतने पैसे चाहिए, मतलब ये जो है ना ये जो एक तो बहुत धारणा गलत है कि हम जो है पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, जिन लोगों की किसी का अपने यहाँ तो किसी की नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की है ऐसी धारणा, क्या कहते हैं धनवान के निकट पंडित भी आके उपस्थित होते हैं, तो देखो पंडित कैसा होएगा, वो लोभी होएगा, धन का लालची, कि किसको बुलाना है 500 रुपये में उसको बुलाओ भी आ जाएगा, देखो सही 1000 रुपये में आ जाएगा, उसकी कीमत कितनी एक दिन की 1000 रुपये, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं, आत्मा कल्याण वल्याण उसको तो ये खबर है, तो क्या मतलब कि मेरा खुद का उतनी देर में शास्त्राभ्यास करूँ किसी को सिखाऊँ पढ़ाऊँ समझूँ, उससे उद्देश्य तो केवल क्या है धन कमाना, तो वो लोभी है, पंडित है कि वो लोभी है, लोभी है, तो कहते हैं जब लोभी पंडित होता है और अविवेकी धनवान, धनवान भी कैसा हो अविवेकी, तो वहाँ तो ऐसे ही होता है, तो तुमने कहा वहाँ तो ये बात है, तो तेरी बात सच्ची भैया क्या, परंतु सुन जो असली शास्त्राभ्यास वाला होगा तो शास्त्राभ्यास वाले की तो इंद्रादिक सेवा करते हैं, तो तू क्या सेवा करेगा उसकी, तो इंद्रादिक सेवा करते हैं, जिसने धन छोड़ के और शास्त्राभ्यास में अपना उपयोग लगाया उसकी तो इंद्र भी सेवा करते हैं,
यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं, बड़े बड़े लोग उसके दास होते देखे जाते हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास वालों से धनवानों को महंत मत जानो, इनको बड़ा मत समझो, ये सब कुछ कर लेंगे। शास्त्राभ्यास वाले की तो इंद्र भी सेवा करते हैं। तथा तुमने कहा धन से सब काम सिद्ध होते हैं, तो धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयादि कार्य सिद्ध होते हैं, और वो भी ऐसे सिद्ध होते हैं जिससे बहुत काल तक नरक आदि गतियों में दुख सहने पड़ते हैं। जो थोड़ा बहुत काम भी सिद्ध हो जाएगा ना, क्या सिद्ध हो जाएगा, पैसे से तुमने कोई गलत काम कर लिया, आगे क्या मिलेगा उससे, ना घूमने चले गए समझ लो फॉरेन टूर, मिलेगा क्या उसका फल क्या है, मतलब नरक मतलब पाबंदी है और क्या है, मतलब धन से जो विषय के काम हो भी रहे सिद्ध, उनसे पाप ही बंधेगा और उस पाप से आगामी काल में नरक आदि गतियों में दुख सहन करना होगा। और शास्त्राभ्यास से तो ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं जिससे इस लोक में तथा परलोक में अनेक सुखों की परंपरा होती है। क्या इस लोक में भी सुखी है वो जीव, परलोक में भी अनेक सुख मिलेंगे उसे, अनेक सुखों की परंपरा मिलेगी। परंपरा मतलब जैसे एक बीज धर्म का बोया, उसे एक बीज से अनेक वृक्ष अच्छे आए, फिर उन वृक्षों से फिर बीज आए, वो वृक्ष एक वृक्ष एक बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ ना, उस वृक्ष में अनेक बीज लग गए, फिर उन बीज को फिर बो दिया, फिर बो दिया तो उन बीजों से फिर वृक्ष उत्पन्न हो गए, फिर उन वृक्षों से फिर बीज बो दिए कुछ, तो ऐसे परंपरा से कितना बड़ा वन तैयार हो जाता है। ऐसे धर्म रूपी बीज तो ऐसा है जिससे परंपरा में अनंत काल तक सुखी सुख को प्राप्ति होती है, और ये तो ऐसा है जैसे परंपरा में नरक निरोध की प्राप्ति होती है, कौन सा धर्म। इसलिए धन उपजाने के विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास करना, तेरे में हो थोड़ा तेरा दृढ़ श्रद्धा हो तो ये तू पैसा कमाने के विकल्प छोड़, तेरे पुण्य यूं ही बंधेगा, सब काम हो जाएंगे तेरे को, विकल्प इतनी श्रद्धा तो कर। और यदि सर्वथा ऐसा न कर सके, पूरी तरह से धन कमाना न छोड़ सके, तो संतोष सहित धन उपजाने का साधन कर शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। क्या कहा, संतोष रखना, संतोष सहित धन उत्पन्न उपजाना, और संतोष सहित धन उपजाने का साधन करके क्या कहा है, में तत्पर रहना, शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। इसलिए धन उत्पादन के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। अब आगे एक और कहता है, काम भोग आदि का पक्षपाती कहता, काम भोग माने पांच इंद्रिय के विषय भोग, घूमने फिरने जाना चाहिए, क्या अभी समझ लो आज शादी हो तो महिला संगीत में जाना चाहिए, शादी ब्याह करना चाहिए, उसमें पैसा खर्च करना चाहिए, विवाह करना चाहिए, शादी चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने चाहिए, जूते चप्पल लाना चाहिए, सब करना चाहिए, गाड़ी घोड़े जो भी है। काम भोगादि का पक्षपाती कहता है कि शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, इसमें सुख तो है नहीं, बड़ाई भी नहीं है, इसलिए जिसके द्वारा यहाँ ही सुख उत्पन्न हो, यही सुख उत्पन्न हो जिसके द्वारा, यही कहीं ऐसे कौन से काम, स्त्री सेवन करो, खाना पीना पहनना इत्यादि विषय उनका सेवन करना चाहिए, अथवा जिसके द्वारा यहाँ ही बड़ाई हो, लोग बड़ाई करें, ऐसे विवाह आदि कार्य करना चाहिए, शादी ब्याह करो, उसमें खूब खर्च करो, दिखाओ लोगों को। ये मेरे को एक इनकम टैक्स कमिश्नर ने एक बात कही, बोले जैन समाज का बोले उसमें कितना का 1,000 करोड़ रुपए कम से कम हर साल विवाह में अनावश्यक खर्च होता है, 1,000 करोड़ रुपये उसमें का कम से कम, और बोले वो सब अजैनियों को जाता है, होटलों के अंदर मांसाहारियों को पैसा जाता है, तो बोले सब दिखाने में बेट बाजों को इसमें उसमें उसमें तो 1,000 करोड़ रुपये बिल्कुल पानी की तरह जाता है। बोले यदि इसका कुछ भी लग जाए, थोड़ा भी कुछ परिवर्तन आ जाए, तो इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, बोले कुछ लोग सोच भी नहीं सकते जिसको, बोले परंतु किसको समझा, उनके पास सारी फाइलें आती इनकम टैक्स वगैरह की, तो उन्होंने कहा वो तो 1 नंबर का कह रहा हूँ, बाकी 2 नंबर में जो खर्च होता है तो उसकी तो बात ही अलग है, इतना अव्यय होता है ना, तो क्यों लोगों को, क्योंकि बहुत मतलब शादी में खर्च मतलब वो तो बहुत बड़ा इवेंट है, एक एक मंदिर खड़ा हो जाए, लोग मंदिर की कहते हैं ना, मंदिर में
हर एक एक मोहल्ले मोहल्ले में एक एक शादी होती ना, एक शादी में एक मंदिर खड़ा हो सके, एक मंदिर नहीं तो चार शादी मिलकर तो खड़ा हो ही सकता था। तो कुछ कुछ ऐसी होती जिसमें एक नहीं हो जाए, बोलो चार शादी मतलब एक मंदिर, दस शादी एक मोहल्ले में, हम 100 जने हैं, 25 मंदिर जितना पैसा खर्च हो जाता एक एक शादी। आप सुना सब दूर दूर जा जा के होटले बुक करना, नवा करना, नवा करना। क्यों बस बढ़ाई हुई, बढ़ाई तो बढ़ाई चाहिए। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, किसी को बढ़ाई भी चाहिए हो तो भाई एक काम करो, एक धर्मशाला बनवा दो, एक मंदिर बनवा दो, वो बढ़ाई चिरकाल तक रहेगी, लोगों को धर्म मिलेगा और परंपरा से मोक्ष मार्ग की तुम्हें भी प्राप्ति होगी, पर बहुत सुधरेगा, अनेक जीव धर्म में लगेंगे, सब अच्छे अच्छा काम होगा। क्या बिना करना हो तो काम करो, क्या 100 रुपये में भी शादी हो सकती है, 100 रुपये में किसी को करवाना तो नहीं सकता, 100 रुपये भी नहीं हो तो फ्री में चलो, करना क्या है उसके अंदर चक्कर लगाना है साथ, और क्या करना है, एक बीच में पूजा हो जाएगी एक आराम से, क्या परंतु दिखाने का है सब। और तो पूजा ही करना है, पूजा की सामग्री चाहिए, पूजा है, पूजा की सामग्री है, आराम से। लेकिन उसके लिए कितना बड़ा कर रखा है अपने लोगों को, और हर आदमी इसका जिम्मेदार है, एक नहीं सारा समाज जिम्मेदार, सबको अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा और आगमी और उसकी और उसकी उसकी। मैं सोचता हूँ कि तत्वाभ्यास का तो अंश भी नहीं देखने में आता, अंश भी कि ये सब मेरा है क्या, ये सब ये कह रहे हैं कि ये धन समाज गज बाज राज तो काम ना आवे, और ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा, ये सब तो पाप बंद का कारण है। लेकिन वो कहता है, लेकिन उसका तर्क है, क्या कह रहा है वो, ये काम करना चाहिए सब, शादी ब्याह करना चाहिए, ये सब क्या है। उसको कहते हैं विषय जनित जो सुख है, जो विषयों से जो सुख मिलता है वो दुखी है, वो सुख नहीं है, क्योंकि विषय सुख है वो पर निमित्त से होता है, और पर निमित्त से माने पराधीन है, आकुलता सहित है, पहले पीछे और तत्काल आकुलता सहित है, माने जो विषयों का सुख है वो वर्तमान में भी आकुलता सहित है, उसको भोगने के पहले भी आकुलता होती है और भोगने के बाद भी नीरस है, आकुलता ही है, और जिसके नाश होने के अनेक कारण मिलते हैं, किसी भी चीज से नष्ट हो सकता है, खाने पीने का सुख नष्ट होने के अनेक कारण हो सकते हैं ना, आगामी नरक भी दुर्गतियों को प्राप्त कराने वाला है, खोटी गति ले जाने वाला है, ऐसा होने पर भी तुम्हारे चाहने से नहीं मिलता, ये 5 इंद्री का विषय सुख, क्या तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारे करने से वो भी कहाँ होने वाला है, तुम्हारे चाहने से मिलता नहीं है, पूर्ण पुण्य से मिलता है, इसलिए विषम है, मैंने सब नहीं एकदम विषम है, बहुत उसमें आकुलता होती है, बड़े कष्ट कठिनाई से मिलता है। जैसे खाज से पीड़ित मनुष्य अपने अंग को कठोर वस्तु से खुजाता है और वो क्या मानता है, सुख मानता है, खुजली होने पे खुजालना और खुजालने में सुख मानना, तो खुजली में खुजालने पे सुख, खुजली में खुजालने पे जो सुख की अनुभूति हो रही है वो सुख अच्छा है कि खुजाल पैदा ही नहीं होना अच्छा है, क्यों अभी अपने को खुजली पैदा हो जाए फिर खुजा लो अच्छा लगेगा, फिर खुजा लो क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में फिर खुजली लग लग जाती है, फिर मिटती तो ही नहीं है, वो खूनम खून हो जाते लोग फिर भी खुजालते रहते, तो खुजली खुजालने में अच्छा है कि खुजली पैदा ही नहीं हो अच्छी है, तो इंद्रियों की पीड़ा उत्पन्न नहीं हो वो अच्छी है कि इंद्रियाँ के विषय पीड़ित करें और फिर पीड़ित करने के बाद में उनके विषय भोग भोगे और उसमें अपने को आनंदित माने वो सुख अच्छा है, कौन सी चीज़ अच्छी है, बीमारी नहीं होना अच्छी है कि बीमारी की दवाई लेना अच्छा, दवाई का सुख अच्छा है कि बीमारी नहीं होना अच्छा, तो ये इंद्रियों के सुख तो ऐसे ही बीमारी के सुख है, खाने की इच्छा होगी तो खाने को चाहिए, इच्छा ही नहीं हो तो आनंद में। जैसे खास से पीड़ित पुरुष अपने अंग को कठोर वस्तु से खुजाता है, जैसे इंद्रियों से पीड़ित जीव उनकी पीड़ा सही नहीं जाती किनकी, इंद्रियों की, तो बताओ वो आदमी ज़्यादा सुखी है कि नहीं कि जिसको इंद्रियों की पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, सहज सुखी आनंद, अभी अपन यहाँ बैठे सहज सुखी है,
कोई पीड़ा होती नहीं, अपने अपने आनंद में रहते हैं। जितनी देर धर्म ध्यान करता है जीव, शास्त्राभ्यास, सबकाभ्यास जो भी, तो उसको कोई विश्व पीड़ा सताती नहीं, सताती नहीं, तो वो अपने निराकुलता में रहता है। और जहाँ विश्व की पीड़ा सताती है, फिर दुखी हो जाता है, क्योंकि वो मिलते नहीं अपनी इच्छा से। जैसे इंद्रियों से पीड़ित जीव उनकी पीड़ा सही नहीं जाती, तब किंचित मात्र उस पीड़ा के प्रतिकार से जो भाषित होते हैं, ऐसे जो विषय सुख उनमें झंपा पात करते हैं, उनमें बड़े उनके अंदर आसक्त होकर डूबते हैं, झंपा पात बने, झंपा पात जैसे बच्चा होता है ना, 10 चीजें होती है तो उसमें झपट्टा मारता, ऐसे ये भी इंद्रिय विषयों में झपट्टा मारता, झपट्टा पड़ता नहीं है इससे, क्योंकि क्या है कि इंद्रियों की एक समय में एक ही चीज को भोगने की ताकत है, और ये चाहता है पांचों में मैं झपट्टा मारूं, पांचों को भोगूं, भोग नहीं पाता तो क्या होता है, वहां दुखी होता है, इसलिए वह परमार्थ रूप सुख नहीं है। और शास्त्राभ्यास करने से जो सम्यक ज्ञान होता है, उसकी भी सुन लो, शास्त्राभ्यास करने से हुआ जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न जो आनंद, सम्यक ज्ञान से जो आनंद उत्पन्न हुआ, वह सच्चा सुख है, वो सच्चा सुख है, परमार्थ सुख है वो। क्यों? क्यों? क्योंकि वह आकुलता रहित है, पहली बात, स्वाधीन है, अपने अधीन है, शास्त्राभ्यास ज्ञान धन ज्ञान सुख तो स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, उसके लिए इंद्रिय विषयों की अपने को पराधीनता नहीं की, होगा तो ही होगा, स्वाधीन आत्मिक सुख अपने स्वाधीन। शास्त्राभ्यास से जो सुख मिलता है उसके लिए कौन से विषय की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, कुछ नहीं, अपने अधीन है ना उसको, इसलिए कह रहे हैं स्वाधीन। यूं कहें जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान से जो सुख उत्पन्न होता है, परमार्थ सुख, आत्मिक अतिंद्रिय सुख, वो स्वाधीन है, आकुलता रहित है, आकुलता नहीं है किसी प्रकार का, किसी से नष्ट नहीं होता, मोक्ष का कारण है, विषम नहीं है। जैसे कांच की पीड़ा नहीं होती तब सहज ही सुखी होता है, वैसे यहां इंद्रियां पीड़ने के लिए समर्थ नहीं होती तब सहज ही सुख को प्राप्त होता है। क्या कितनी गजब बात कही, पहले तो सुख के विशेषण दिए, सुख कैसा है, आत्मिक सुख कैसा है, सम्यक ज्ञान कैसा है, स्वाधीन है, दूसरा आकुलता रहित है, तीसरा किसी से नष्ट नहीं होता, चौथा मोक्ष का कारण है, पांचवा विषम नहीं है, मतलब बहुत कठिनाई से नहीं, अपने स्वाधीन है, अपने से प्राप्त हो सकता है। जैसे खाज की पीड़ा नहीं होती तब सहज ही सुखी होता है, वैसे इंद्रियां पीड़ने के लिए समर्थ नहीं होती तब सहज ही सुख को प्राप्त होता है, इसलिए विषय सुख छोड़कर क्या करना, शास्त्राभ्यास करना। यदि सर्वथा न छूटे, पांच इंद्रिय के विषय सर्वथा न छूट सके, सर्वथा छूटे तो बहुत ही अच्छा है, सर्वथा न छूट सके तो जितना जितना बन सके उतना छोड़कर शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। अब तुमने कही ना विवाहादिक कार्य में बहुत बड़ाई होती है, तो सुनो, तरह तुमने विवाहादिक कार्य में बड़ाई होने की बात कही तो वो कितने दिन तक बड़ाई रहेगी, क्यों? और जिसके लिए महापाप आलम्ब द्वारा नरक आदि में बहुत काल तक दुख भोगना पड़ेंगे, जो तुमने रात को खिलाया ना हजार जनों को, अभी बहुत डंडे पड़ेंगे, चिंता मत कर। अथवा तुमसे भी उन कार्यों में धन लगाने वाले बहुत है, तुम क्या लगाओगे, कितनी लगा लोगे, तुम कितना दिखा लोगे, बल्कि मैं तो कहता हूं अपना धन बचा लेना चाहिए, उस समय फालतू एक रुपया भी नहीं लगे, बहुत हल्के फुल्के में काम कर दो, अपने को क्या करना, अपनी तो शादी भी हो रही है, क्या अपने को लोग बुरा कहे तो कहे, अपने जब तक बच्चे होंगे 25 साल तक, तब तक लोग भूल ही जाएंगे क्या हुआ था, तो अपना तो धन गया ना, अब वो धन कमाने में कितना मेहनत लगेगी, यूं एक एक रुपए के लिए दौड़ दौड़ भाग करते रहो और यूं लाखों रुपये पूरे कर दो, ये कौन सी समझदारी है। लेकिन फिर भी लोग समझ में नहीं आती, मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी, क्योंकि बर्बादी होने वाली है शादी, तो थोड़े दिनों बाद पता चलेगा शादी क्या है। क्या ये जो है ये बहुत गंभीरता वाली चीज है, मतलब ये खासकर जो युवा लोग हैं इनको तो इतनी समझ में आनी चाहिए कि हमें यदि करना है तो हम जो है बिल्कुल अत्यंत सादगी से सरलता से कर लें, और उस और वो धन बचा के अपने जीवन को धर्म ध्यान में लगाएं, क्या और वो धन आगे बहुत काम आता, जो आदमी ने उस समय धन बचा के किसी जगह लगा भी दिया, कोई चीज़
कोई मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ में खर्च मतलब किसी में इन्वेस्ट भी कर दिया तो उसको आगे जाके धन की तकलीफ नहीं पड़ेगी। और जिसने उस समय खूब कर्जा लेके खर्च किया जिंदगी भर कर्जदार बना रहता है। इसलिए उन कार्यों में तो धन लगाने वाले बहुत है। कितने लोग हैं, क्यों आप कितना कर लोगे? कोई जयललिता जैसी शादी तो कर नहीं सकते। इसलिए क्या है, इसलिए विशेष बढ़ाई भी होने वाली नहीं है। और देखो आप ही सुनो, शास्त्राभ्यास से तो ऐसी बढ़ाई होती है जिसकी सर्वजन महिमा करते हैं, सारी दुनिया महिमा करती है, इंद्रादिक भी प्रशंसा करते हैं और परंपरा से स्वर्ग मोक्ष का कारण है। इसलिए विवाहादिक कार्यों के विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास का उद्यम रखना, सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प नहीं करना। इस तरह काम भोग आदि के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास में संभोग किया। और भी इसी प्रकार अन्य भी जीव जो विपरीत विचार से इस ग्रंथ के अभ्यास में रुचि प्रकट करते हैं उन्हें यथार्थ विचार से शास्त्र के अभ्यास में सम्मुख होना तो लाख बात की बात यही है। लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ तोड़ी सकल जगत द्वंद बंद निजात्मा। और निजात्मा के ध्यान करने के लिए तत्वाभ्यास करो, शास्त्राभ्यास करो। निजात्म ध्यान कहो या यूं नहीं कहो, शास्त्र का अभ्यास करो। तोड़ी सकल जगत द्वंद बंद क्या, शास्त्राभ्यास करो। इस पंचम काल में अपने पास और इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं अपने आत्मा के कल्याण। ठीक है, तो अपना आज ये सम्यक ज्ञान पूरा हुआ। अब अपन इसके बाद में करेंगे सम्यक चारित्र का वर्णन चालू, अगले मतलब अगला मतलब कल से ही, कल से अपना सम्यक चारित्र चालू हो जाए। आज अपना यहाँ पे सम्यक ज्ञान पूरा हुआ और यहाँ तो उन्होंने निज आत्मा के ध्यान की उत्कृष्टता कही है, सम्यक ज्ञान की महिमा कही है। अपन ने तो सम्यक ज्ञान का जो कारण है उस शास्त्राभ्यास में सब बातें घटित की। वास्तव में जो महानता का कारण है वो सम्यक ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान पूर्वक जीव कैसे देश चाहे अंगीकार करता है, क्या करता है, उसकी चर्चा अपन कल करते हैं।